तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह हो गई है, तो सब अपने अपने काम में जुट गए हैं और मैं भी सो के उठा हूँ यहाँ से। और ये हमारे मम्मी। दोस्तों, सुबह हो गई है, सुबह का गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों नहीं कहने को आता है। तो ये अभी बिस्तर में ही पड़े हुए हैं पिताजी हमारे, और अभी मम्मी झाड़ू लगा दी हैं, और अभी मैं गाय को घास डाल दिया है। देखिए यहाँ पे जितना सारा फूल लगा हुआ था सब अभी तोड़ के ले गए हैं मंदिर के लिए। और यहाँ पर देखिए मिट्टी से लिपाई करने जा रहे हैं, पोछा मार रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा है और मिट्टी से लिपाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर गोबर लेकर जा रही हैं मम्मी हमारी, थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैंने लिया था तो और ले रही हैं। देखिए यहाँ से ले रही हैं गोबर। देखिए, और मैंने तसले में रखा था भर के, तो उन्हें कम पड़ रहा था, ये लिए हैं। हमने सीधे कितना अच्छा लग रहा है देखने में मिट्टी पे। हेलो दोस्तों, तो अभी गाय लगा के लाए हैं, ये दूध देखा जाए और गाय का दूध है। अभी चाय नहीं बनाई है क्योंकि नवरात लगा है, आप सब जानते हो कि सुबह उठे तो पूजा पाठ करने में टाइम लगता है, और फिर नहा धो के पूजा पाठ करो, फिर काम पे चाय पानी बनाओ। अभी चाय नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मम्मी गैस बार रही हैं। देखिए इसमें गैस सिलेंडर में भी गैस नहीं है, और गैस महंगा भी हो गया है, तो भराने के लिए उसमें पैसे नहीं है। चाय या दूध कभी कभी गर्म करने के लिए इसी पर यूज किया जाता है, और खाना बनाने के लिए तो चूल्हे का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे चीनी डाल रही है। चीनी जाता है। यहाँ पे कल चने लिए थे तो इतना ही बचा, कल सबने खत्म कर दिया। डाल दिए हैं। तो ये मक्का में पानी लगा रहे हैं, आए हैं, चाय पिया था और काम का जाना था। कहा था मैं ना हमारा वीडियो ना बनाओ, बताओ ना हमें। दाल तो बन गई है, चावल बनाने हैं, रोटी बनाओ है। ये चावल बचा गए हैं। चाय पीने जा रही हूँ, आप सभी आकर पी लीजिए। तो दोस्तों हम मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, और फिर आके यहाँ पे बैठ गया हूँ जहाँ पे मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। यहाँ पे चावल बिचार के रखी हुई हैं, और अभी ये आ रही हैं। देखिए यहाँ पे शायद दाल बन चुका है, तो यहाँ पर देखिए चावल धो रही हैं मेरी मम्मी।
तो यहाँ पर मेरी मम्मी आटा चला रही है, देखिए। इसमें आटा है, आपको अंधेरा है, दिख भी नहीं रहा है। दाल छोंके जाएगी, पता है नवरात लाग है, लहसुन न खाए चाहे प्याज न खाए चाहे तो जीरा और सूखा मिर्चा से दाल छोंक रही थी। बोलने को नहीं आता है, क्या करूँ। हमारा तड़का तैयार हो गया है, दाल में डाल जा रही हूँ। रोटी बनाने जा रही हूँ, खाना तैयार हो गया है, रोटी बन जाए बस खाना तैयार हो जाए। खाना हो तो आप लोग आ जाइए, बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। मैं तो जानती हूँ कि वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मजबूरी करा रही है हमारी। तो मुझको दोस्तों बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो इसलिए मैं अपना खाना निकलवा रहा हूँ इससे। तो देखा भी बना ही रही थी, तो मैं निकलवाने लगा खाने के लिए। खाना हो तो दोस्तों आ गई है, दाल बना है और क्या कहते हैं चावल और रोटी बना है, जो कल बना था वही आज भी बना है। दोस्तों रोटी हमारी बन गई है, खाना तैयार हो गया है, अब खाना हो तो आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो इतना सा दूध बचा है, अब इसको आगे पे रखने जा रही हूँ। और दूध तो लगभग 2-3 लीटर रहता है, लेकिन घर का खर्चा नहीं चलता है, इसलिए दूध बेच देती हूँ। दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ खेत में, वो पप्पा हमारे सींच रहे थे तो आए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं चल रहा हूँ खेत की सिंचाई करने के लिए, तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पानी का मोटर चल रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हमारी साइकिल यहाँ पर पड़ी हुई है, देखिए उसको उठा देता हूँ, नहीं तो सर जाएगी साइकिल। तो यहीं पर मेरी साइकिल खड़ी रहती है, उसको मोटर भी ले जाना रहता है, इसलिए साइकिल तो एकदम ख़राब है। देखिए ये पट्टी भी निकल जाती है, सीट भी निकल जाती है, ये तो कोई नहीं, जैसा भी है सब तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर पानी चल रहा है बढ़िया अच्छा से, तो हम चल रहे हैं अपने खेत में। तो ये रहा पानी, अब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे काटना है, तो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल तो कहीं रखना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर मैं यहाँ पे अब मक्के के पेड़ पे लगा देता हूँ मोबाइल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काट दिया है, देखिए और पानी जाने लगा है, तो हम चलते हैं अब। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी मम्मी ये लेके आई थी चने कहीं से मांग के, अपने खेत में नहीं है तो दूसरे के यहाँ से लेके आई है। तो चबा खाना हो तो बता दीजिए, देखिए कितना अच्छे से भरा है, बहुत इसमें बहुत चने लगे हुए हैं। और ये हमारा टिंटी है जो अभी लेटा हुआ है, देखिए। तो मंदिर पर गए थे या प्रसाद लेके अभी आई हूँ, आप लोग भी आकर खा लीजिए, मंदिर का प्रसाद है दोस्तों।
ये कौन है आपको पता है? ये कौन है पता है आपको? जय गुरुदेव है। ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं इसमें कभी कभी। अब बोल बाबा के बारे में, बाबा के साथ तो ऐसे ही बोला था रहा हो। इतने बड़े बड़े फेंका थे ना बचपन में पैक थे। अगर काम नहीं निकल गया आधा कब का दा इधर साथ में यहां पर करो। अरे का था हम अपन रक्षा नहीं करी थे दूसरे करी थे। हां ये बोलते हैं कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकते दूसरों की रक्षा करता हूं मैं। कर सकते हैं पर अगर मुझे तो काम रुक गए तब यार कर। कोई अगर गांव में बीमार रहेगा तो बोलेंगे कि मैं ही ठीक किया है, मैंने ही ठीक किया है। कर देता हूं जब कि अपन हाथ पर नहीं ठीक कैसे करता है। ये क्या बना रहा है वहाँ तो साइकिल लगा रहा है। तो अपना हम मांग कर लाना है। मंदिर पे गए थे तो वहाँ पे गलका था बाला जी की पूजा रहा। तो मैं चल रहा हूँ अपने खेत में तो बरसीन गाय के लिए बरसीन काटने था तो बरसीन के खेत में पानी भर दिए हैं पापा ने और मम्मी तो कहीं से गई हैं काट रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बरसीन में पानी भर दिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आज बरसीन नहीं कटेगी तो फिर गाय भूखी रह जाएंगी और सुबह दूध भी नहीं देंगी फिर। तो मम्मी इसीलिए जुगाड़ से बरसीन काट रही हैं किनारे किनारे से देखिए। और देखिए यहाँ अगर बीच में जाएंगे तो फिर पानी भरा है, पानी भरा है दोस्तों। काटी थे बरसीन मन किनारे किनारे पीछे महा जाहिन लायक नहीं है कुछ कहा था। और यहाँ पर देखिए ये क्या लगा है आपको पता होगा तो बताना। और ये है इसी में उखाड़ता हूँ। ये देखिए ये क्या है कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या है। इतना मोटा इसमें पत्ता भी नहीं है, पटकने से टूट भी जाता है। तो दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये मक्के का खेत है और मक्का भी लगा हुआ है देखिए अभी, लेकिन तैयार नहीं है अभी। तो यहाँ पर मम्मी आई हैं बरसीन काट के आई हैं, बैठी हुई हैं तो बोल रही हैं कि मैं थक गई हूँ बरसीन काट के और रखी आई हूँ थक गई हूँ अब आई हूँ यहाँ पर बैठ गई हूँ अभी जाई थे। अभी जा रहे हैं हम बरसीन को उठाकर घर लेकर जाएंगे क्योंकि आज फिर देर हो गई है गाय को घास खिलाने के लिए। तो यहाँ पे इतना सारा बरसीन है तो इसे को उठा के हम लेकर जाएंगे। अभी पानी भरा है बरसीन में, पानी भरा है नहीं तो फिर ज़्यादा काटती मम्मी। तो यहाँ पर मैंने बरसीन को उठा लिया है और फिर चल रहा हूँ देखिए। तो यहाँ पर हमने बरसीन को रख दिया है वहाँ पर और फिर मैं चल रहा हूँ और मम्मी भी चल रहे हैं बरसीन को बालने के लिए। तो यहाँ पे कैसे छीछा लेदर पड़ा हुआ है, बिखरे पड़े हुए हैं सब, चूल्हे में राखी है। तो फिर वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये क्या था, ये बरसीन तो बाल चुका है क्योंकि कल वाले वीडियो में दिखाया था इसलिए आज नहीं दिखाया है वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर बरसीन और फिर आज शायद हवा चली थी तो हमारी ये पल्ली जो कि हम यहाँ पे लगा के खाना बनाते हैं तो वो भी फट चुकी है वहाँ पर देखिए ऊपर। दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है और फिर मम्मी पूजा भी कर रहे हैं जैसे कि नवरात्र का समय चालू है तो मम्मी अपने रसोई घर में पूजा कर रही हैं। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिख भी नहीं रही होंगी शायद, टॉर्च जला लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पूजा कर रहे हैं मेरे मम्मी, अच्छी तरह दिखाता हूँ देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जो कोई गलती हुई वीडियो में तो उसको माफ़ करना, जानते हो कि हम कुछ अभी बोलने को नहीं जानती हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।